एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देवोत्री गांगुली। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। सो वीडियो का टाइटल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू ऑल माय बैग कलेक्शन जो मैं ऑन अ डेली बेसिस या कहीं भी यूज करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो कलेक्शन मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन ट्रेंडी भी है। सो यस, लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो एंड मीट स्टीवा, ऑफकोर्स कम हियर। आज तो वीडियो का ये भी आ गई है। हाई कर दो, हाई। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय सिस्टर्स चैनल। वीडियो करे नहीं तब पे कथा बोलबो। एनीवे, गेटिंग बैक, सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो गाइस। गाइस, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक्सपेंसिव साइट पे तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड मिसलेनियस जगह से मैं खरीदती हूँ मेरे बैग्स। लाइक लोकल मार्केट्स भी है, मीशो ऐप, एमेजॉन, मिंत्रा, H&M एंड ज़ारा। सो पहला बैग जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ वो मैंने लिया है मीशो से। दिस इज दिस बीच जूट बैग एंड आई रियली लव द टेक्सचर ऑफ दिस बैग गाइज, एंड ऑफकोर्स द डिजाइन मुझे बहुत क्यूट लगता है ये, एंड इट्स परफेक्ट फॉर लाइक बीच वाइव। एंड अगर आप लोग को एस्थेटिक कुछ फिल्म करना हो, फोटोज लेनी हो, तो उसके लिए ये बैग इज परफेक्ट। एंड दिस बैग डजेंट हैव एनी चेन, सो दिस इज लाइक दिस, एंड दिस इज या इसका स्पेस बहुत ज्यादा है तो काफी हैंडी भी आता है ये बैग्स। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट वन एंड आई गॉट दिस वन फ्रॉम मीशो, एंड द क्वालिटी इज आई एम गोइंग टू गिव 5 out of 5 बिकॉज मुझे काफी पसंद है ये बैग एंड मैं ये काफी बार यूज भी कर चुकी हूँ। ओके, लेट मी टेल यू गाइज, अगर मुझे कोई फोटोज या पिक्स मिलेगी बैग्स को लेके, सो आई एम गोइंग टू लाइक give it over here if it's okay. So yeah, so this one is the first one and price is, तो to be very honest guys, मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन description देखना मत भूलना, मैं वहां पर जरूर दे दूंगी। So yeah, this one is the first one and I got this one from Meesho. I really love the combination also, the color combination. So yeah, this one is the first one. Meesho से चालू किया है ना, तो Meesho Is that even a word? Anyway, so Meesho की मैंने दिखाया ना पहले आप लोगों को, तो Meesho का ही दिखा देती हूँ। So this one is the second one, a classic black handbag, and मुझे ये बहुत क्यूट लगा and that's why I got this one for myself. So इस ये जब आया था ना, इसका ये तो है ही एक हैंडल, एंड अलग से एक हैंडल भी आया था जो स्लिंग टाइप है। सो मैं वो यूज नहीं करती हूँ बिकॉज आई प्रेफर यूजिंग दिस वन, इतना शॉर्ट ही। सो आई रियली फाउंड दिस बैग सो क्यूट, एंड ब्लैक इज ऑलवेज अ गो टू कलर फॉर एनी डे। एंड हाँ, इसका एक प्रॉब्लम है कि इसका स्पेस बहुत छोटा है गाइज, सो लेकिन फोन्स वॉलेट आराम से जा सकता है अंदर। एंड आई जस्ट लव द डिजाइन, ये डिजाइन देख रहे हो आप लोग, ये ऐसा है ना, सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या डिजाइन है, क्या बोलते हैं इसको, बट आई रियली फाउंड इट क्यूट एंड आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ। सो या, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो, एंड इसका भी जो डिजाइन आप लोग देख सकते हो, इट्स क्वाइट टेक्सचर्ड एंड आई रियली जस्ट लव दिस बैग गाइज। सो या, दिस वन इज द सेकेंड वन। सो द नेक्स्ट वन इज दिस फैनी पैक जो बोलते हैं, एंड वेस्ट बैग, एंड ये काफी ट्रेंडिंग है गाइज। इट गिव्स अ वेरी यूनिक लुक आफ्टर यू स्टाइल इट, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे इसका एक ड्रॉबैक है कि यू कैन नॉट कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट, बट ऑफकोर्स अ स्मॉल परफ्यूम, लाइक सैनिटाइजर, वॉलेट एंड फोन तो जरूर आ जाता है इसमें, एंड थोड़ा बहुत मेकअप की चीजें भी आ जाती है गाइज, आई वोंट लाई। सो इट कम्स विद 3 chains, बैक पे है एक एंड फ्रंट पे 2 है, एंड आई रियली लव द क्वालिटी। इट्स लाइक इट डजंट गेट वेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब काफी अफोर्डेबल है, एंड बारिश में मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू कि अंदर जो भी चीजें है ये नहीं भीगती है। सो दिस वन इज वेरी हैंडी फॉर मी, एंड या सो दिस वन, एंड ऑफकोर्स द रेड कलर, आई रियली लव द रेड कलर गाइज। सो या, दिस वन इज द नेक्स्ट वन, एंड ये काफी ट्रेंडी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत क्यूट भी लगता है। सो या, दिस वन इज द नेक्स्ट वन गाइज, एंड दिस इज लाइक एक तो होना चाहिए सबके पास। सो या,
मेरे पास दो है, मैं दूसरा भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन वो मीशो से नहीं है. सो या दिस वन आई गॉट फ्रॉम मीशो एंड दिस वन इज द थर्ड वन गाइज. सो द नेक्स्ट वन इज, जैसे मैंने बोला, दिस इज द सेकेंड वेस्ट बैग दैट आई हैव एंड दिस वन इज फ्रॉम एमेजोन. इसका पीछे कोई चेन नहीं है बट सामने दो है एंड अगेन इट इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड ये कलर मुझे बहुत पसंद है एंड आई गॉट दिस वन फ्रॉम एमेजोन. एंड या ये भी काफी, मतलब जैसे मैंने बोला, यू कैन ऑफकोर्स कीप योर वॉलेट, मिनिमम मेकअप ऑफ योर्स, योर फोन चार्जर. सो या दिस इज लाइक बहुत काफी क्यूट लगता है आफ्टर आई स्टाइल इट एंड काफी ट्रेंडिंग भी है गाइज ये वेस्ट बैग्स अभी तो. सो आई थिंक दैट एक तो होना बहुत जरूरी है एंड मुझे बेसिकली वो रेड कलर एंड ये ब्राउन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है बैग्स में. सो दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया है एक मेरे लिए. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन गाइज. तो अगला जो बैग मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ ना, वो बहुत ट्रेंडिंग था एंड मुझे एक ओन करना था मेरे लिए. सो मुझे बहुत पसंद भी है एंड मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ. मैं यहाँ पे पिक्चर्स दे रही हूँ, आप लोग देख लेना. एंड जब मॉनसून सीजन चल रहा था ना, ट्रस्ट मी गाइज, ये मेरा गो टू बैग था. मैं कहीं भी जाती थी यही बैग लेके जाती थी एंड मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता था ये बैग, अभी भी लगता है ऑफकोर्स. सो या द नेक्स्ट वन इज दिस ट्रांसपेरेंट बैग दैट आई गॉट फ्रॉम एमेजोन. बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइज मॉनसून सीजन में. यू कैन कीप एवरीथिंग क्योंकि स्पेशियस तो बहुत ज्यादा है ये. एंड यू कैन सी यहाँ पे यू जस्ट कैन पुट योर मेकअप, योर फोन, योर चार्जर, योर मतलब क्या बोलूं, अगर कोई स्कार्फ ले रहे हो वो भी रख सकते हो. सो या दिस इज अ वेरी हैंडी बैग और 10 रुपए भी मुझे दिख गया यहाँ पे. वैसे ये चीज होता है मेरे से, पता है आप लोगों की बैग से निकल जाता है कुछ भी, आप लोग यकीन नहीं मानोगे. एक अगर अलग बैग से ये लिपस्टिक मिला मुझे जो मैं ढूंढती रहती हूँ, होता है मेरे साथ ये ऐसा. एंड आई गेस ये सबके साथ होता है, मतलब कोई स्पेशल नहीं है कि मेरे साथ ही होता है. सो या लेकिन पैसा जब मिलता है ना बैग से तब बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों पर मुझे तो बहुत खुशी होती है. सो या सो दिस वन इज द नेक्स्ट वन गाइज एंड दिस वन इज लाइक सबके पास एक तो होना ही चाहिए. बहुत 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 क्यूट है, बहुत स्टाइलिश है, मुझे बहुत 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 पसंद है ये बैग गाइज. सो दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम दिस हॉल, ट्रस्ट मी गाइज. बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है मॉनसून सीजन में एंड बहुत ही स्टाइलिश भी है. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन. ओके गाइज, तो नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ दो बैग पैक जो मैं ओन करती हूँ. एक है पैंटालून से और एक फ्रॉम द ब्रांड आर्टिक फॉक्स. एंड बैग पैक ना मुझे बहुत हैंडी लगता है बिकॉज मैं कहीं भी ब्लॉग करने जाती हूँ ना, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आप लोग देख सकते हो कि दैट मैं कहीं भी ब्लॉग पर जाती हूँ या मेरे ब्लॉग्स अगर आप लोग फॉलो करते हो वहां पर भी देख सकते हो दैट आई ऑलवेज कैरी माई बैग पैक बिकॉज मेरा ट्राईपॉड्स होता है. मुझे मैं अगर कहीं ठंडी जगह पे जा रही हूँ तो मेरा हैट होता है, मेरा टोपी होता है. एंड सो या आई जस्ट कीप माई एवरीथिंग इन माई बैक पैक. सो बैक पैक्स आर क्वाइट हैंडी फॉर मी एंड वेरी यूजफुल गाइज. सो द फर्स्ट वन इज दिस वन फ्रॉम द आर्टिक फॉक्स एंड आई डोंट नो वाई आई हैव बीन सो ऑब्सेस्ड विद दिस बैग. आई लिटरली डोंट नो वाई बिकॉज मुझे ये ब्लैक कलर बहुत पसंद है. एंड दूसरी बात, दिस वन इज वेरी क्यूट, इट हैज अ लिटिल टाइगर ओवर हियर. सो मुझे बहुत बहुत, ये टाइगर ही है ना, ये टाइगर ही है. सो या सो मुझे ये बहुत क्यूट लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी है इसका बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ ईयर नाउ. एंड आई जस्ट, मैं आप लोग को कैसे बताऊं, मैं बहुत रफ यूज करती हूँ, बहुत रॉ यूज कर चुकी हूँ इस बैग को एंड द क्वालिटी इज समथिंग दैट आई लव अबाउट दिस बैग एंड फ्रॉम दिस ब्रांड टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड बैग पैक ऐसे क्यूट एक तो होना जरूरी है गाइज. गाइज, सो द नेक्स्ट बैग पैक दैट आई ओन इज फ्रॉम पैंटालून्स एंड दिस इज दिस वन. इसका कलर ग्रे है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा मोनोक्रोमेटिक पिक्चर्स आते हैं ना इस बैग के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज. एंड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. इसका कोई चेन तो नहीं है बट क्वाइट स्पेशियस एंड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये बैग पैक्स, आई रियली लव. एंड इसका भी पिक्चर मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप लोग देख लेना. सो दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड ये मैंने पैंटालून से लिया है गाइज. इसका भी क्वालिटी आई रियली लव बिकॉज इट हैज बीन 2 ईयर्स दैट आई एम यूजिंग दिस बैग एंड
लिटरली इट्स बीन 2 ईयर्स जब जो मैं ये बैग यूज कर रही हूँ एंड आज तक कुछ भी नहीं हुआ है. सो एंड इट कैरीज अ लॉट ऑफ स्टफ, इट कैन कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ एंड मतलब कुछ हुआ नहीं है. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स. मतलब ये दोनों ही बैकपैक मेरे फेवरेट्स है ये हॉल से. ओके गाइज, जो अगला बैग मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग को वो भी मेरा बहुत फेवरेट है. तो एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, जितने भी बैग्स मैंने आप लोग को दिखाया सारे मेरे फेवरेट्स है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बैग्स यूज करना बिकॉज दे आर सुपर क्यूट, सुपर ट्रेंडी एंड बहुत अच्छा लगता है. सो या द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम मिंत्रा जो मैंने लिया है. नॉट फ्रॉम मिंत्रा, मैं मिंत्रा से ली हूँ ये बैग, बट इट इज फ्रॉम द ब्रांड मिराजियो, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स इन बैग आफ्टर H&M एंड Zara. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन. इट इज लाइक फड़ी फड़ी, बहुत सॉफ्ट रेड कलर का, बहुत ही क्यूट लगता है ये बैग मुझे. इसके अंदर भी कुछ होगा, मैं देखती हूँ एक बार कि इसके अंदर क्या है. ओके कुछ ये पेपर्स है, पता नहीं किस चीज का है, लेकिन या सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड ये इतना ही छोटा सा है. इस ये भी जब आया था एक स्लिंग बैग के तरह ही एक है इसका बैंड, जो मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही यूज करती हूँ इसको क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो या दिस वन इज द रेड वन एंड आई जस्ट एब्सोल्यूटली लव द कलर, वेरी स्टाइलिश. इफ यू आर गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स फॉर अ डिनर सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस काइंड ऑफ बैग्स आउट गाइज. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन गाइज. तो इसके बाद जो मैं दिखाने वाली हूँ वो बैग्स H&M की है. सो द फर्स्ट वन हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट इज दिस डेनिम शॉपर, वेरी 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 यूजफुल एंड हैंडी फॉर मी गाइज. मुझे ये बैग बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड आजकल डेनिम बैग्स काफी ट्रेंडिंग भी है गाइज, लेट मी टेल यू. सो मुझे तो एक ओन करना ही था. सो दिस वन इज फ्रॉम H&M एंड आई जस्ट रियली लव इट, आई जस्ट लव इट गाइज. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ H&M में ही आप लोग को ये डेनिम बैग्स मिलेगी, हर एक जगह मिल जाएगी डेनिम बैग्स, लेकिन मैंने ये H&M से लिया है एंड दिस इज अ शॉपर गाइज, मुझे बहुत पसंद है एंड या सो दिस इज नाइस, नो क्यूट एंड ट्रेंडी एंड स्टाइलिश. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड आई लव शॉपर्स. इसके पहले H&M का ना मुझे मेरा वो ब्लैक वाला भी था, थोड़ा लेदर लेदर टाइप, लेकिन उसका वो बहुत साल से मैं यूज कर रही हूं ना तो वो मैं नहीं दिखाई आप लोग को बिकॉज उसका जो हैंडल है ना वो एक तरफ से टूट गया है, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया आप लोगों को. एंड अब वो मैं यूज भी उतना नहीं करती हूँ, आई ऑलवेज गो विद दिस शॉपर. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन गाइज. नेक्स्ट वन एक मतलब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो एक होना बहुत ही जरूरी है हर लड़की के वार्डरोब में एंड आई एम मीनिंग इट गाइज पीरियड, बिकॉज इट इज दिस वाइट टेक्सचर्ड शोल्डर बैग. बहुत ट्रेंडी है, बहुत क्यूट है, पूरा पार्टी लुक है गाइस. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे बैग्स, छोटे छोटे शोल्डर बैग्स, क्वाइट ट्रेंडी एंड वेरी क्यूट. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन. दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम H&M एज आई सेड. सो या मुझे ये बहुत पसंद है, आप लोग देख सकते हो. और H&M का क्वालिटी के बारे में तो मैं जो भी बोलूंगी वो कम ही होगा. वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स गाइज इज H&M एंड अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है H&M पे. शायद वो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तब तक होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग को लेना है H&M से कोई बैग सो दिस इज वन बैग दैट एवरी गर्ल शुड हैव इन योर वार्डरोब. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन, अ वाइट टेक्सचर शोल्डर बैग, बहुत ही क्यूट है. तो अगला वाला मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ ना वो भी एक शोल्डर टेक्सचर्ड बैग है, बट दैट दिस वन इज द ब्रांड इज फ्रॉम द ब्रांड मैंगो एंड आई जस्ट बॉट इट बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द कलर गाइज, बिकॉज आई जस्ट लव दिस लाइलैक कलर एंड दिस वन सी क्वाइट क्यूट नो एंड वेरी वेरी, इट गिव्स अ वेरी एस्थेटिक वाइब्स गाइज. आई मीन जैसे मैंने बोला मतलब ये बैग एंड ये बैग अगर आप लोग कैरी कर रहे हो ना कोई भी आउटफिट के साथ बहुत ही एस्थेटिक लुक देगा. सो या दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड मैंगो. सो आई रियली लव द कलर, द टेक्सचर अगेन इज वेरी नाइस. ज्यादा स्पेस एक ड्रॉबैक है इस बैग्स का गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा स्पेशियस नहीं है. इफ आई एम कीपिंग माई फोन एंड थोड़ा बहुत मेकअप बस हो गया खत्म, उसके बाद और जगह नहीं बचती है इसमें. So this is the one drawback, but then again if you are going out with your friends for partying or for a dinner or for a lunch,
date, then of course you can carry this one. You can always put your phone and your little bit of makeup and wallet in it, and you can, and you are good to go. So yeah, this one is the next one, guys, and I really, really, really love it. Yeah. Hey guys, इसके अगला वाला बैग जो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ, हॉल का सबसे क्यूटेस्ट बैग है जो मैं ओन करती हूँ. एंड आई किड यू नॉट गाइज, मतलब ये बैग इट्स ऑलमोस्ट 6 years पुराना है एंड आज भी सेम टू सेम है. एंड दैट इज दिस स्लिंग बैग फ्रॉम द ब्रांड श्री लेदर्स. वन ब्रांड जो मैं यूज करती हूँ, मेरी मम्मी भी श्री लेदर्स की बैग यूज करती है. एंड ट्रस्ट मी, दिस बैग इज स्टिल द सेम आफ्टर 6 long years एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स फ्रॉम दिस हॉल, बिकॉज ये बहुत ही क्यूट बैग है गाइज. एंड दिस इज द पिक्चर ओवर हियर. सो दिस वन इज लाइक बहुत बहुत क्यूट एस्थेटिक बैग है एंड आई रियली लव द कलर. इट्स डार्क चॉकलेट ब्राउन. इस बैग का भी एक ड्रॉबैक है कि इसमें, ओके वेट, आई फाउंड समथिंग, लिपस्टिक, जैसा मैंने बोला आप लोगों को. एनीवे, तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, बस फोन्स एंड वॉलेट ही रख सकते हो आप लोग एंड थोड़ा बहुत मेकअप. बट जब आप लोग इसे कैरी करोगे ना, इट लुक्स टू क्यूट, टू ब्यूटीफुल. सो दिस इज वन बैग दैट आई ओन एंड आई जस्ट लव दिस गाइज. मुझे बहुत पसंद है इसका लुक. ये आप छोटा नहीं कर सकते हो बिकॉज ये स्लिंग बैग ही है. एंड दिस वन इज द नेक्स्ट वन. ओके गाइज, सो द नेक्स्ट वन फ्रॉम दिस हॉल एंड द लास्ट वन फ्रॉम दिस हॉल हैज टू बी माई मोस्ट फेवरेट वन फ्रॉम दिस हॉल. मतलब अगेन सारे के सारे फेवरेट्स है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल है बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, एंड इट्स फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स विच इज ज़ारा. एंड लेट मी शो यू गाइज, दिस इज दिस डेनिम हैंडबैग गाइज. मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है. आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है एंड मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा है. एंड इट्स बिन लाइक बहुत पहले मैंने ये खरीदा है, लाइक 2 months बैक, एंड स्टिल आई हैवंट यूज्ड इट एंड स्टाइल्ड इट येट, बट सून आई एम गोइंग टू डू इट. सो दिस हैज दिस जीन्स का पॉकेट ओवर हियर. इजंट इट अमेजिंग, वेरी स्टाइलिश है ना. एंड दिस इज लाइक, सी, सो आई रियली लव डेनिम बैग्स. आई एम लाइक लविंग. एंड ज़ारा का मुझे और एक ना बैग दिखा मुझे, एंड ये स्पेशियस है गाइज, मतलब फोन वॉलेट यू गाइज कैन सी. सो या आई रियली लव दिस बैग. एंड द क्वालिटी के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं बिकॉज इट्स ज़ारा. एंड या सो वेरी सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज इट्स टीवा. सो एनी वे, सो दिस वन इज द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन ऑफकोर्स फ्रॉम दिस हॉल. सो कैन यू सी, आई एम सो सॉरी गाइज फॉर दिस nuisance noise. I'm so sorry. Okay, coming back. So yeah, this one is the next one. One second. Okay guys, so this one is the next one and the last one from this haul. And don't worry, I'm going to give everything in the description box with prices. Links तो मुझे नहीं पता उतना मिलेगा कि नहीं, लेकिन हर एक चीज मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेक करना गाइज. सो या ओके गाइज, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो इसके बाद जो वीडियोज आने वाले हैं, शायद वो ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है गाइज. वेरी एक्साइटेड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग इन माई लाइफ दैट आई विल रिमेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. वो सरप्राइज ही रहने देते हैं, वो जब ब्लॉग आएगा तब आप लोग देख लेना. So yeah, I'm going to see you all in my next video. And if you guys find this video helpful, कुछ भी मैं अगर help कर सकी हूँ आप लोगों को या करती हूँ, then please, please, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. It will mean a lot to me. And to all my 1.4K subscribers, thank you so much. It means a lot. Thank you for supporting me. अब जल्दी से 2K कर दो guys. Please, please, please. So yeah, I will see you again in my next video. Till then, take care and don't forget to follow me on my other social media, which is Instagram, where I almost post every day about
लाइक डिटेल्स ऑफ माई ऑल शूट्स, फैशन टिप्स, स्टाइलिंग टिप्स एंड ऑफकोर्स मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसका मैं देती हूँ रील्स, सो जाके जरूर देखना एंड शो सम लव ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. एंड या आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.